साउथ सुपरस्टार और बाहुबली सीरीज फेम एक्टर प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में चल रहे हैं। अब उनकी अपकमिंग मूवी सालार का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। यह फिल्म प्रशांत नील द्वारा निर्देशित है और साथ ही यह फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जिससे फैंस की तरफ से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि दूसरी तरफ फिल्म के ट्रेलर को लेकर कई मीम्स भी बनाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन मीम्स के जरिए फैंस सालार के कुछ डायलॉग्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रभास की सालार के ट्रेलर पर लोगों का रिस्पांस कैसा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभास की सालार के ट्रेलर में 1000 साल पहले खानसार के जंगलों के खूंखार डकैतों के बारे में दिखाया गया है। साथ ही दो दोस्तों की दुश्मनी भी देखने को मिलेगी। अब ट्रेलर वायरल होने के बाद लोगों का रिएक्शन भी जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि आदिपुरुष के फ्लॉप होने के बाद अभिनेता के लिए सालार संजीवनी का काम कर सकती है। हालांकि लोग उन्हें अभी भी आदिपुरुष के श्रीराम के किरदार में देख रहे हैं और अभी तक उस फिल्म में अभिनेता के किरदार को हजम नहीं कर पाए हैं। सालार के ट्रेलर के बाद प्रभास के फैंस तो उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेलर के मीम्स भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सालार के ट्रेलर को देखने के बाद एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म के डायलॉग पूरी तरह से क्रिंज है, ऐसा लग रहा है कि डायलॉग पर काम नहीं किया गया है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि डायलॉग ऐसे बोले गए हैं जैसे कि आप नशे में हो और आपसे किसी ने फौरन डबिंग के लिए कह दिया हो। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने इस फिल्म को उम्मीदों से भी बुरा बताया है। बता दें कि सालार के बाद प्रभास नाग अश्विन की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म कलिक 2898 एडी में नजर आएंगे। फिल्म में कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और अन्य कई कलाकार प्रमुख किरदार में देखे जा सकेंगे।